सागर जिले के बीना में भी कोरोना महामारी से एकजुट होकर लड़ने का संदेश देने के लिए सभी धर्मगुरु एकत्रित हुए और मार्च पास निकालकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया, साथ ही साथ धैर्य बनाए रखने की अपील भी की। जैसे जैसे कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे लड़ने वालों का हौसला भी बढ़ रहा है। बीना में आज सभी धर्मगुरु एकता और भाईचारे का संदेश देने सड़कों पर निकले और कोरोना की जंग में एकजुट होकर लड़ने का संदेश दिया। आज सचमुच देश में एक ऐसी कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए आज संपूर्ण देश एक हुआ है। सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों ने आज जो कोरोना से लड़ने के लिए संदेश दिया है, यह निश्चित तौर पर सराहनीय है। हम सब ने आज़ादी की लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पुनः एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे हम इसका कोरोना जैसे बड़े संकट से उभरें। इस हेतु आज हमारे नगर के सभी धर्मावलंबियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और शांति मार्च किया है। आप सभी से भी निवेदन है कि अपने घरों में रहें और इस कोरोना से लड़ने के लिए, विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए हम सब एकता का परिचय दें। प्रशासन ने और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने मिलकर फ्लैग मार्च कोरोना वायरस को हराने के लिए और देश को जिताने के लिए निकाला है, और सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि भीड़ इकट्ठी ना करें। मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना करें, साफ़ सफाई से रहें, और जो भूखे आपके आसपास हैं, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उनका ख्याल रखें। खुद मदद कर सकते हैं तो खुद मदद करें, या जो संस्थाएँ मदद कर रही हैं उनके माध्यम से मदद करवाएँ, या प्रशासन के माध्यम से मदद करवाएँ, और हम सब एक हैं, मिलकर ही हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। जातिवाद न करें, मिलकर काम करें। जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान परिस्थितियों में विश्व बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए हमें इस कोरोना रूपी दानव को हराना है और इंडिया को जिताना है। इस मैसेज को देने के लिए मेरे द्वारा सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से आग्रह किया, निवेदन किया, उन्होंने हर्ष के साथ हमारा ये निवेदन स्वीकार किया और आज उन्होंने पुलिस के साथ शांति मार्च और पुलिस के द्वारा मार्च पास्ट नगर के अंदर किया गया। यही हमारा संदेश था।